नमस्कार दोस्तों, मैं सौभ चतुर्वेदी इनखर में आपका स्वागत करता हूं। मैं क्रिकेट से जुड़ी जरूरी खबर आपको दूंगा। न्यूजीलैंड टीम इस समय भारतीय दौरे पर है। दोनों देशों के बीच 3 मैचों की T20 श्रृंखला खेली जा रही है। इस श्रृंखला का पहला मुकाबला खेला जा चुका है, जिसको कीवी टीम ने 21 रनों से जीत लिया है। आज इस सीरीज का दूसरा मैच होने वाला है। यह मैच लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर कप्तान हार्दिक पांड्या को सीरीज में बने रहना है तो दूसरा मैच जीतना काफी महत्वपूर्ण हो। अगर लखनऊ के कान्हा स्टेडियम की बात करें, इसके पुराने रिकॉर्ड की बात करें, तो यहाँ पर अब तक कुल 5 अंतर्राष्ट्रीय T20 मुकाबले खेले गए हैं। इन मुकाबलों में रोचक बात यह है कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों को जीत हासिल हुआ है। सारे ही मुकाबले उस टीम ने जीते हैं जिन्होंने पहले बल्लेबाजी चुनी है। वहीं आश्चर्य वाली बात यह है कि ये कोई भी मुकाबला यहाँ पे नजदीकी नहीं गया है, एक तरफा ही किसी टीम ने जीत दर्ज की है। ऐसे में टॉस जीतकर टीमें पहले बल्लेबाजी करने का चुनाव कर सकती हैं। भारतीय खेमे में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल हार्दिक पांड्या ईशान किशन को पृथ्वी शॉ से रिप्लेस कर सकते हैं। पृथ्वी शॉ की कई सालों बाद इस सीरीज में वापसी हुई है। उन्होंने हाल ही में रणजी में असम के खिलाफ बढ़िया प्रदर्शन किया था और व्यक्तिगत दूसरा सबसे हाईएस्ट स्कोर किया था। उन्होंने 389 रनों की धुआंधार पारी खेली थी। उसका फायदा उनको इस टीम में चुनकर दिया गया है।